Good afternoon, everyone. Myself Suman Pandey, and today I am going to deliver the lecture on Theory of Relativity. ये engineering physics की छोटी सी unit है, जिसमें हम detail में समझाएंगे कि relativity क्या है और उससे related सारे जो phenomenas हैं, वो भी explain करेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं what is relativity. Relativity. रिलेटिविटी मीन्स सपोज अगर आप रिलेट करते हैं किसी चीज को किसी दूसरे के साथ, जैसे मेरी हाइट लंबी है विथ रिस्पेक्ट टू यू, आपसे मेरी हाइट लंबी है, मैं आपसे लंबी हूँ, इसका मतलब क्या कर रही हूँ कि मैं कंपेयर कर रही हूँ किससे, आपसे. तो मैं कभी भी जब कंपेयर करूँगी किसी चीज से, इसकी लेंथ इससे छोटी है, टाइम जो है यहाँ का टाइम, इंडिया का टाइम, ऑस्ट्रेलिया के टाइम, अमेरिका के टाइम से अलग है. तो जब हम टाइम लेंथ ये सारी चीजें आपस में रिलेट करते हैं, तभी हम बोलेंगे कि वो चीज रिलेटिविटी के रिस्पेक्ट में है. तो ऐसी थियरी जो कि इस रिलेटिविटी को एक्सप्लेन कर सके, सो द थियरी विच डील्स विथ रिलेटिविटी ऑफ रेस्ट एंड मोशन. कोई भी चीज रेस्ट में है, मैं आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं या मैं आपके रिस्पेक्ट में मूव कर रही हूं, अगर मैं मूव कर रही हूं मेरी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू यू, आप रेस्ट में हैं, दैट मींस दिस इज रिलेटिविटी. मैं अकेले अपने आप को नहीं बोल सकती हूं कि मैं मूव कर रही हूं, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में अगर हम मूव कर रहे हैं तभी हम बोलेंगे रिलेटिविटी है. क्लियर है? सो हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिविटी इज व्हाट द थियरी व्हिच डील्स विथ रिलेटिविटी ऑफ मोशन एंड रेस्ट. मोशन एंड रेस्ट, क्लियर है? इसी को हम बोलेंगे रिलेटिविटी या थियरी जो है, जो थियरी द थियरी विच डील्स विथ रिलेटिविटी ऑफ मोशन एंड रेस्ट, सो दैट इज कॉल्ड थियरी ऑफ रिलेटिविटी. नाउ अब ये जो थियरी है रिलेटिविटी की, दो टाइप की होती है. सबसे पहले हम लेंगे जनरल थियरी. सो इट इज ऑफ टू टाइप. पहला जनरल थियरी, जनरल थियरी, एंड जो दूसरा है वो है स्पेशल थियरी, स्पेशल थियरी. ओके, सो जो जनरल थियरी है उसमें हम क्या लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम अगर किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव हो रहा है तो हो सकता है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती हो या ज्यादा होती हो. दैट मीन्स कोई एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर. लेकिन अगर ऐसी थियरी जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट या जो सिस्टम है अगर वो मूव करते हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम, अनदर पर्सन, देन हम बोलेंगे स्पेशल थियरी. स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है. और जनरल क्यों है, क्योंकि हमारी मर्जी, जैसे हम चाहे तो हम बैठ जाए, हमें चलना है तो धीरे धीरे चले, हो सकता है हम काफी फास्ट स्पीड से जाए, तब हमारी मर्जी है अगर कि हम जैसा चलना चाहें, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है हमारे ऊपर कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे. तो अगर ऐसा है, ऐसी थियरी जिसमें ऑब्जेक्ट या सिस्टम क्या कर रहे हैं, उनकी स्पीड या तो स्लो हो रही है या फिर फास्ट हो रही है, तो जो थियरी होगी दिस इज जनरल थियरी. एंड स्पेशल थियरी दैट मींस ऑब्जेक्ट और सिस्टम विच आर मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन जो थियरी डील करेगी ऐसी थियरी क्या बोलेंगे, स्पेशल थियरी. सो इस जनरल थियरी में हम क्या बोलेंगे, इट डील्स विथ ऑब्जेक्ट और सिस्टम which are slowing down or speeding up. हो सकता है उनकी वेलोसिटी बढ़े, हो सकता है उनकी वेलोसिटी कम हो. बट जो स्पेशल थियरी उसमें क्या होगा, it deals with object or system, which are moving with constant velocity. Okay, with respect to one another. तो
हमें जनरल थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमें स्पेशल थ्योरी ही पढ़ना है। तो इसको आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में दिया था। उन्होंने चार पेपर पब्लिश किए जिनमें से जो पहला पेपर था वो 1905 में, पहला जो पेपर था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला पेपर था तो इससे बर्थ होता है क्वांटम फिजिक्स का, बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आ गया था फिजिक्स में। तो इसके बाद उन्होंने फिर से दो पेपर पब्लिश किए जो कि स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड थी। तो इसको इन्होंने जब किया तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, जो कि माइक्रोस्कोपिक पे बेस्ड थी, उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ी क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का बर्थ हो गया था। तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम उसकी जो स्पीड है बहुत स्लो होगी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है इट इज नेग्लिजिबल विद कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होगा कि अब अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। मतलब अगर मान लीजिए दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक रेस्ट में है और दूसरा मूव कर रहा है वेलोसिटी से कुछ, तो उसकी जो वेलोसिटी है बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से सपोज मूव कर रहा है। तो जब वो मेजर करेगा उस ऑब्जेक्ट की लेंथ तो उसके रिस्पेक्ट में जो लेंथ होगी और जो रेस्ट वाले हैं उसके रिस्पेक्ट में जो लेंथ होगी बोथ विल बी सेम। दैट मीन्स देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन मोशन, से उसकी साइज पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेम वैसे टाइम के बारे में अगर हम बोले तो टाइम भी चेंज नहीं होगा। मतलब हम एक एब्सोल्यूट टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, दैट इज टाइम। मतलब मेरे रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट में हूं मैं या फिर मूव कर रही हूं, दोनों के रिस्पेक्ट में जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है किसी भी इवेंट के होने का, दैट विल बी कॉन्स्टेंट। इट विल नेवर चेंज फॉर द ऑब्जर्वर हु इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज द वेलोसिटी इज वेरी नेग्लिजिबल कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सारी जितनी भी फिजिकल जितनी भी एंटिटीज है वो सारी की सारी क्या है, दे आर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड इट कुड नॉट बी चेंज और इट कुड नॉट बी अफेक्ट ड्यू टू मोशन। तो ये था क्लासिकल। लेकिन जैसे ही हमारा थियरी ऑफ रिलेटिविटी का बर्थ हुआ, जैसे ही आइंस्टाइन ने दिया, अब उन्होंने क्या बोला, जो ये स्पेस है, पहले तो क्लासिकल में स्पेस जो है वो कंप्लीटली एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसी भी पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं होनी है, क्योंकि चेंज नहीं होनी है देयरफॉर उनके रिस्पेक्ट में ना तो लेंथ में कोई चेंजेस आता है और ना ही टाइम में कोई चेंजेस आएगा। लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या बोला गया कि जो लेंथ है या फिर टाइम है, जितनी भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो है वो चेंज होंगी विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। वाई? बिकॉज ऑफ, अब हमने क्या लिया कि जो वेलोसिटी है उस अगर ऑब्जेक्ट की, कब ये चेंज होगी वो भी कंडीशन है। When the velocity is comparable to velocity of light, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी साइज चेंज हो जाएगी। देन अगर कोई घड़ी रखी हुई है उसमें हम टाइम इंटरवल देख रहे हैं किसी इवेंट के फायर होने का, तो वो जो ड्यूरेशन है फॉर द रेस्ट ऑब्जर्वर एंड फॉर द मूविंग ऑब्जर्वर, दोनों के लिए उसका टाइम इंटरवल अलग अलग आएगा। क्लियर है? तो कब होगा ये? जब उसकी वेलोसिटी जो जिस स्पीड से वो जा रहा है, इट शुड बी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो वी इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन ओनली द थियरी ऑफ रिलेटिविटी विल अफेक्ट ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज। ओके, सो नाउ हम आते हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ही, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पेस, टाइम एंड मोशन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, स्पेस क्या है। सबसे पहले हम तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, स्पेस, टाइम एंड मोशन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो स्पेस क्या चीज है, एब्सोल्यूट रेस्ट में है और उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं चेंज नहीं होगी किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी पॉइंट पे। क्लियर है? एब्सोल्यूट रेस्ट में रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में कोई भी दूसरी फिजिकल एंटिटीज को हम नहीं बोलेंगे कि प्रेजेंट है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है। हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे कि स्पेस की वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही विथ रिस्पेक्ट टू अनदर एंटिटी, दैट विल बी सेपरेट एंटिटी, इसका किसी दूसरे चीज से रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? एंड देन टाइम हम क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट टाइम। ओके, एब्सोल्यूट टाइम मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट टाइम का मतलब कोई भी इवेंट अगर फायर होती है, मान लीजिए किसी ने गाना गाया, जब गाना गाया तो उसने स्टार्ट किया 3 बजे
और खत्म किया, मान लीजिए 5 मिनट तक गाना चला तो 3:05 तक, ओके okay? इसका मतलब कितना चला ये 5 मिनट, तो दैट ड्यूरेशन इज सेम फॉर द ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट और मूविंग ऑब्जर्वर. मूविंग ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर मूव हो रहा है, दो लोग देख रहे हैं उसको, मान लीजिए एक मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से एंड दूसरा जो रेस्ट पे है, तो दोनों के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है दैट विल बी 5 मिनट्स, वो चेंज नहीं होगा. क्लियर है? सो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टाइम. व्हेन देयर विल बी नो चेंजेस इन टाइम देन इट इज एब्सोल्यूट टाइम. नाउ अब आते हैं मोशन पे. सो मोशन मीन्स सेम वैसी एब्सोल्यूट मोशन. एब्सोल्यूट मोशन मतलब मान लीजिए मैकेनिकल मोशन की बात करती हैं, तो मैकेनिकल क्लासिकल में सेम वैसी मैकेनिकल मोशन. इसका मतलब क्या होगा? जो मोशन का मतलब ये चेंज इन पोजीशन. अब चेंज इन पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? चेंज इन पोजीशन, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज मैकेनिकल मोशन. उस टाइम पे क्लासिकल मैकेनिक्स के टाइम पे ऐसा ही बोला गया कि जो मोशन है उसको हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में, कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड मोशन. क्लियर है? लेकिन अब हम आते हैं फिर से थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में. तो स्पेस तो ठीक है, सेम वैसा ही है, एब्सोल्यूट होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है. इसका मतलब क्या है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है हर पॉइंट पे, हर डायरेक्शन में, जितना भी है स्पेस में पूरी जगह, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी. नाउ देन हम टाइम पे आएंगे, तो सेम वैसे टाइम जो है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स मेरे रिस्पेक्ट में कोई और वैल्यू देगा और मूविंग ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कुछ अलग वैल्यूज आएगी. सेम वैसे अब हम मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मतलब उसकी जो पोजिशन है वो चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेस्ट ऑब्जर्वर और एनी मूविंग ऑब्जर्वर. टाइम के रिस्पेक्ट में हम नहीं बोलेंगे, अब पोजीशन चेंज हो रही विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स्ड फिजिकल एंटिटी, फिजिकल बॉडी के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है चेंज होना इज कॉल्ड मोशन. क्लियर है? सो दैट इज टाइम, स्पेस एंड मोशन. नाउ अब हम आते हैं फिर से थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में. अब हमने बार बार बात किया कि मोशन क्या होता है, तो जनरली हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स्ड ऑब्जर्वर और एनी फिक्स्ड फ्रेम. हम कोई भी एक क्या दे रहे हैं यहाँ पे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए अगर बोलते हैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो रिलेटिव है, सबसे पहले ये समझा देते हैं, देन हम आते हैं मोशन के बारे में. तो हम क्या बोल रहे हैं? ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर, ऑल द फिजिकल एंटिटीज या क्वांटिटीज, क्वांटिटीज आर रिलेटिव. ओके, रिलेटिव. अब ये कैसे हैं इसको समझने के लिए, थोड़ा सा रिलेटिविटी समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. अब क्या क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, जो बेसिक फिजिकल है, सबसे पहले हम लेते हैं मान लीजिए लेंथ जो है, पहले पोजीशन ले लेते हैं, सिंपल जो रहेगी पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव है. देन उसके बाद हम लेंगे साइज जो है, इट इज रिलेटिव. देन लेंथ रिलेटिव, देन टाइम रिलेटिव है, कैसे, एंड देन लास्ट में हम मोशन रिलेटिव है ये शो करेंगे. तो पोजीशन इज रिलेटिव, सबसे पहले इसको हम समझाते हैं. फर्स्ट है पोजीशन इज रिलेटिव. इसको कैसे समझाएंगे? इसका मतलब है दो ऑब्जर्वर्स रहेंगे, उन दोनों के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है इट इज डिफरेंट. तो कैसे लेंगे, मान लीजिए एक नदी बह रही है ऐसी, और दो फ्रेंड्स हैं उस नदी के किनारे बैठे हुए ऐसे, एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए. एक घर है जो कि यहाँ पे है. अब ये जो घर है इसकी पोजीशन, ये जो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड है, मान लीजिए एक ए ये बी. अब ये जो ए है वो बोल रहा है कि ये जो घर है वो मेरे राइट में है, सॉरी ये मेरे हाँ राइट में है, और ये जो है वो बोल रहा है ये जो घर है वो मेरे लेफ्ट में है. दिख रहा है, इसके राइट साइड में है ये घर, और ये जो है दोनों ऐसे फेस करके बैठे हुए एक दूसरे की तरफ फेस करके. तो अब ये क्या बोल रहा है, ये जो घर है वो मेरे लेफ्ट साइड में है, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है इन दोनों की रिस्पेक्ट में, जबकि इसकी पोजीशन तो फिक्स्ड है, एक ही जगह पे है, लेकिन फिर भी इन दोनों के रिस्पेक्ट में इस घर की जो पोजीशन है इट इज डिफरेंट. दैट मीन्स
पोजीशन इज रिलेटिव. क्लियर है? नाउ सेकेंड हम लेके चलते हैं साइज. साइज इज रिलेटिव. कैसे बोलेंगे? आपकी साइज जो है वो रिलेटिव है. तो इसके लिए हम मान लीजिए एक छोटा सा एटम लेते हैं. तो एटम बहुत छोटा होता है. अब इस एटम को भी हम क्या बोलेंगे? इट इज स्मॉलर देन बॉल. कोई एक बॉल ले लिया, उससे ये एटम है एक बॉल से. अब हम इस बॉल को भी छोटी बोल सकते हैं. किसके रिस्पेक्ट में? अगर हमने कंपेयर कर दिया अर्थ के रिस्पेक्ट में. क्लियर है? तो ये जो साइज है क्या हो रही है? सबके लिए अलग अलग हो रही है. इसके रिस्पेक्ट में ये साइज स्मॉल है, इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल स्मॉल है. क्लियर है? दैट मीन्स सबके सब अपनी पोजिशन पे है, अपने ही साइज में है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी साइजेस छोटी या बड़ी लग रही है. सो हम क्या बोलेंगे? साइज इज ऑल्सो रिलेटिव. क्लियर है? नाउ थर्ड आते हैं लेंथ. लेंथ इज रिलेटिव. लेंथ इज रिलेटिव. कैसे बोलेंगे हम लेंथ रिलेटिव है? इसके लिए हम मान लीजिए तीन स्टिक लेते हैं, एक दो और ये तीन. ठीक है, पहली स्टिक, दूसरी स्टिक एंड तीसरी स्टिक. ये जो स्टिक है, इन तीनों की जो लेंथ है वो आपस में रिलेटिव है. कैसे बोल रहे हैं? ये ए बी और सी. ए जो है वो छोटी है बी से, लेकिन अब बी छोटी हो गई किससे? सी से. क्लियर है? अकेले में इनका कोई वैल्यू नहीं है. मेरी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, मेरी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मेरी लेंथ 6 सेंटीमीटर है. अब हम क्या बोल रहे हैं? रिलेटिविटी में हम कंपेयर कर रहे हैं. तो इसकी जो 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, इट इज स्मॉलर देन दिस 5 सेंटीमीटर लेंथ, एंड देन 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्टिक इज स्मॉलर देन 6 सेंटीमीटर ऑफ स्टिक. ओके, सो लेंथ इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. सो लेंथ इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटीज विच इज रिलेटिव. नाउ फोर्थ आते हैं टाइम इज रिलेटिव. टाइम इज रिलेटिव. आप कैसे बोलेंगे कि टाइम जो है वो रिलेटिव है? तो मान लीजिए कोई भी इवेंट फायर होती है, इंडिया में फायर होती है 3 बजे 3 PM पे, तो क्या होगी? यही जो टाइम है, हो सकता है अमेरिका में चेंज हो जाए. क्यों? क्योंकि वहां का टाइम अलग आता है. तो हो सकता है 7 PM पे उसको वही टाइम दिखे. सो इंडिया में जो भी इवेंट होगा, इंडिया के हर स्टेट हर जगह के लिए टाइम विल बी सेम. कोई रिलेटिव नहीं होगा. एक कंट्री में रह करके हम टाइम को रिलेटिव नहीं कर सकते. टाइम कब रिलेटिव होगा? जब हमारी प्लेस चेंज हो जाए. तो हमारी प्लेस, अगर हम अमेरिका में हैं, तो यही इवेंट फायर होना जो 3 बजे इंडिया का है, हो सकता है उनके लिए क्या हो? 7 PM का टाइम है. सो टाइम इज रिलेटिव, बट इट डिपेंड्स ऑन प्लेस. कहाँ पे है इवेंट, कहाँ फायर हो रही है. सो टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव. नाउ आते हैं लास्ट में आपका मोशन इज रिलेटिव. मोशन इज रिलेटिव. अब इसको कैसे शो करेंगे? ओके, तो मोशन के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो मूव कर रहा है 60 किलोमीटर, बाइक से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में. ये जा रहा है पर्सन, यहां बैठा है, जस्ट जा रहा है. अब इसको तीन लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. पहला ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, ए ऑब्जर्वर. तो इसके लिए इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम दिखेगी, कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर. अब मान लीजिए दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि इसी की डायरेक्शन में जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, बाइक से वो भी जा रहा है, बी ऑब्जर्वर है. अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब वेलोसिटी माइनस होगी. तो 60 माइनस 20, दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको ये जाता हुआ दिखाई देगा. क्लियर है? जबकि वो बंदा अपने 60 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, दैट ऑब्जर्वर, द वेलोसिटी विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. नाउ अब हम लेते हैं थर्ड ऑब्जर्वर है सी. वो क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में बाइक लेकर के 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जो है वो एड होगी. दैट मीन्स अब इसके रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको जाता हुआ दिखेगा. क्लियर है? मतलब ये जा रहा है 60 किलोमीटर में ही. अपने अगर वो किसी से कंपेयर ना करे, खुद के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर. बट तीन ऑब्जर्वर्स हैं, क्योंकि तीनों की पोजीशंस अलग अलग है. पहला रेस्ट में है, दूसरा मूव कर रहा है उसी की डायरेक्शन में, और तीसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. देयरफोर इनके रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है, इट इज डिफरेंट. सो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी और मोशन इज ऑल्सो रिलेटिव. ओके, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या है? रिलेटिव है. तो
तो हमने क्या बोला कि जो भी मोशन को हमने शो किया कि यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, इस डायरेक्शन में हमने पर्सन बता दिया, तो अब ये जो मोशन है जिसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि पर्सन मूव हो रहा है, मोशन में है, उसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे, एक रेफरेंस देंगे कि मोशन जो है वो किसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम अनदर पर्सन, अनदर एंटिटी जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे एक रेफरेंस के फॉर्म में। तो हम क्या बनाएंगे, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? रेफरेंस मतलब क्या, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोल रहे हैं हम, मोशन कैन बी डिस्क्राइब, मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ रिस्पेक्ट टू सम वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, क्या बोल रहे हैं हम, जो मोशन है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, कि इसके रिस्पेक्ट में मूव हो रहा है। जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रही है, प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, देख रहे हैं ट्रेन जो है वो मूव हो रही है, तो जो ट्रेन मूव हो रही है किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म रेस्ट में है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है नाउ इट बिकम्स रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है ट्रेन की विथ रिस्पेक्ट टू किसके, प्लेटफॉर्म की, सो प्लेटफॉर्म इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में ट्रेन मूव हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या चीज है, हम क्या यूज करें, उसको क्यों यूज करें, टू डिस्क्राइब द मोशन। सो हम बोल सकते हैं ऐसा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मोशन। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करेंगे। ओके, तो नाउ इसके लिए छोटा सा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो, सबसे सिंपल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो कौन सा होगा, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो थ्री डायमेंशनल फॉर्म में दिखाना है कि मूव हो रहा है, तो सबसे सिंपल जो होता है वो फ्रेम क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ओके, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड, वो ओरिजिन होता है, ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ रहेगा, ओरिजिन पे होगा। ओके, तो ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या है ये, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसी को हम बोलेंगे इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मान लीजिए अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन को शो करेंगे, तो मान लो एक पार्टिकल है जो पहले ओरिजिन में था, फ्रेम का नाम हम दे देते हैं एस। अब ये जो पार्टिकल है मूव होकर के कहाँ आ गया है, पी पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स वाई जेड है, क्लियर है, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो पार्टिकल है मान लीजिए टी टाइम पे यहाँ से यहाँ आ गया, क्लियर है, टी टाइम पे कहाँ से, ओरिजिन से मूव होकर के ओ से पी पॉइंट पे आया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 0 0, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड एंड जो पोजिशन वैक्टर है, पोजिशन वैक्टर मान लीजिए क्या है ये, R है, so R इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R is equals to ix plus jy plus kz, okay? तीनों डायरेक्शन में। तो क्या चीज है इसका, पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर ix jy, ijk क्या है जहां पे, ijk एंड R यूनिट वैक्टर्स, क्लियर है। देयरफॉर हम क्या निकालेंगे इस पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इक्वेशन वन ले लेते हैं, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, सो क्या आ जाएगा, डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू आई डी एक्स बाय डी टी
plus j dy by dt plus k dz by dt. So that represent velocity equation. Okay. Now अब हम आते हैं acceleration में. So acceleration मतलब क्या? Change in velocity with respect to time is acceleration. So acceleration coordinates क्या होंगे? Acceleration क्या हो जाएगा? इसी को हम differentiate कर देंगे dv by dt. कितना आ जाएगा ये? d square r by dt square और r d square x by dt square plus j d square y by dt square plus k d square z by dt square. Clear है? इसको यहाँ दे देते हैं. That is so that is acceleration transformation equation. So this is acceleration of the particle at point t because it is moving. Clear? So that is frame of reference. Now अब ये जो frame of reference है, it is of two types. पहला inertial frame of reference and दूसरा जो है non-inertial frame of reference. Okay? हम दोनों के एक्सप्लेन करेंगे. सो आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या बोल रही है? दो टाइप के हैं. पहला इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल. ओके, इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, सो इनर्शियल का मतलब ऐसा फ्रेम जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करे. इट ओबे लॉ ऑफ इनर्शिया. क्लियर? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मूव हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होता रहेगा. कब तक? जब तक कि उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. तो हम क्या बोलेंगे? इफ द फोर्स इज कुछ भी नहीं है, फोर्स नहीं लग रहा है, देन ऑल्सो क्या बोल रहे हैं? बॉडी एक्सीलरेट नहीं हो रही है, तब क्या हो जाएगा वो फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम. लेकिन अगर नॉन इनर्शियल लें तो हम क्या बोल रहे हैं? इट डज नॉट ओबी, इट डज नॉट ओबी लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया. तो इसके लिए क्या होगा? एफ इज इक्वल टू जीरो है तो ए इज इक्वल टू जीरो. इफ फोर्स इज जीरो दैट मीन्स इफ देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, देन द सिस्टम इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. ओके, देन द वेलोसिटी विल बी कॉन्स्टेंट दैट मीन्स देयर विल बी नो एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन विल बी जीरो. So if there will be no force, then the acceleration of the body will also be zero. But in this case, because it does not obey law of inertia, अगर नहीं follow हो रही, इसका मतलब हमने force नहीं लगाया, लेकिन फिर भी body में acceleration मिल रहा है. So if force is zero, but the A will not be zero, then that type of frame is called non-inertial frame of references. Okay? So क्या बोलेंगे हम? In this frame, it does not obey law of inertia. Clear है? अब इसी को हम explain करेंगे काफी अच्छे से. इसमें क्या होंगे? सारे के सारे जो simple motion है उनको हम show कर सकते हैं. इसमें सारे rotatory motions जो होंगे वो हम circular motion या rotatory motion हम बोलेंगे, तो ये सारे non-accelerated frame में आएंगे, non-inertial frame हो जाएंगे. अब हम इसी को detail में समझेंगे कि क्या होता है inertial frame और non-inertial frame. Okay? तो सबसे पहले आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. ऑल द सिंपल मोशन जो होंगे, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, वो सारे हमारे क्या रहेंगे? इनर्शियल फ्रेम में आएंगे. तो इनर्शियल फ्रेम में हम क्या बोलेंगे?
inertial frame of reference. तो हमने क्या बोला, इसको क्या डिफाइन किया? The frame which obey, the frame which obey law of inertia. Law of inertia is called inertial frame of reference. That means when the external force is zero, that means when the external force is zero, then acceleration will also be zero. Clear है? तो अब हम आते हैं, हमारा जो equation आया था उसी में लेके चलते हैं acceleration का. A is equals to zero और A की value क्या थी? D square R by dt square, it is zero. और हम क्या बोलेंगे? D square X by dt square is zero और D square Y by dt square zero और d square z by dt square is zero. So अगर ऐसा है frame जिसमें हम acceleration zero बोल रहे हैं, तो ये आ जाएगा equation. So if f is equals to zero, then acceleration will be zero. Clear है? ये simple अगर हम एक frame से बोलते हैं तब. क्या बोल रहे हैं frame से? Simple एक frame हम लेंगे तो क्या बोल रहे हैं? Body में जो acceleration है, that will be zero. कब? जब हम कोई external force नहीं लगाते. अब हम इसी को कंपेयर करते हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से. क्लियर है? मान लीजिए हम दो फ्रेम्स लेते हैं, दोनों जो हैं, पहला जो है फ्रेम एस और दूसरा एस डैश है. इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड, ये रेस्ट में है. इसका जो ऑब्जर्वर है वो ओरिजिन में है. ओ ओ डैश जो है ये फ्रेम एस है जो कि मूव हो रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से, किधर? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश. मान लीजिए पी, यहाँ पे कोई पार्टिकल जो है पी पॉइंट पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं एक्स वाई जेड सेम वैसी. अब इसको दोनों ऑब्जर्वर्स देख रहे हैं तो पी पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ ओ इज आर एंड विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश इज आर डैश. क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कि सबसे पहले दोनों फ्रेम्स जो है वो एक ही जगह पे होते हैं. मतलब इनके जो ओरिजिन्स है वो दोनों कोइंसाइड करेंगे एट अ टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे. दोनों फ्रेम एक ही जगह होंगे एंड आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए वो टाइम टी टाइम पे, अब ये फ्रेम यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया. किस वेलोसिटी से? वी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से. अगर वेलोसिटी से मूव करके आया v इज इक्वल्स टू, देन वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम t, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू vt. सो दैट डिस्टेंस इज vt. ओके, क्या हो जाएगा? vt. इसको एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छे से. कंसीडर टू फ्रेम्स s एंड s डैश. s डैश इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, बट इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो बोथ द फ्रेम्स आर कोइंसाइड बाय देयर ओरिजिन्स. दोनों के ओरिजिन्स जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम t, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ दिस फ्रेम इज o डैश कितना डिस्टेंस पे है, विच इज एट अ डिस्टेंस vt. v वेलोसिटी से चल रहा था और चलते चलते यहाँ आया तो डिस्टेंस इतना हो गया. नाउ अब हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल, वेक्टर ट्राइंगल ओ ओ डैश पी. सो कंसीडर द ट्राइंगल, क्या चीज ट्राइंगल? ओ ओ डैश पी. क्या हो जाएगा हम? ओ पी इज इक्वल्स टू, ओ पी इज ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी. ओके, सारी वैल्यूज रख देंगे. सो आर इज इक्वल्स टू ओ कितना है? वी टी प्लस आर डैश. ओके, तो क्या आ जाएगा? आर डैश इज आर माइनस बी टी. तो ये हो गया पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश. क्लियर है? अब हम निकालते हैं वेलोसिटी क्या होगी. वेलोसिटी इज कितनी होती है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी आर डैश बाय डी टी अगर हम लेके चलते हैं. सो डी आर बाय डी टी माइनस वी. ओके, अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इवेंट के फायर होने का टाइम जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ये या विथ रिस्पेक्ट टू
ये फ्रेम रेस्ट है या मूविंग फ्रेम, दोनों के रिस्पेक्ट में जो टाइम है दैट विल बी सेम। दैट मींस हम क्या लेंगे, t इज इक्वल्स टू t डैश। अगर इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए p पॉइंट पे कोई इवेंट फायर होती है, तो इसके रिस्पेक्ट में टाइम t है, तो इसके भी रिस्पेक्ट में जो टाइम है t डैश बोथ आर सेम। मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी टी की जगह डी टी डैश, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी v किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश, सो v डैश ये आ जाएगा। अब हम एक्सीलरेशन लेंगे, तो एक्सीलरेशन के लिए फिर से इसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं अगर, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या आ जाएगा, इसी को dv डैश बाय dt, सेम t इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख लेंगे क्या, सिंस t इज इक्वल्स टू t डैश देयरफॉर ये, देन यहां भी हम t डैश ले लेंगे, क्या हो जाएगा d स्क्वायर r डैश बाय dt स्क्वायर dt डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर। अब v तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब क्या मिल गया, ये हमारा एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू s डैश एंड द एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू s बोथ आर सेम। दैट मींस अब हम कैसे डिफाइन करेंगे इनर्शियल फ्रेम को, अगर दो फ्रेम्स को हम लेके चल रहे था, बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, कब, व्हेन द एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जर्वर इन बोथ द फ्रेम्स विल बी सेम, दैट मींस देयर विल बी नो चेंज इन एक्सीलरेशन ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर्स, कौन से, पहला ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में था उसके लिए जितना एक्सीलरेशन मिला है उतना ही एक्सीलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, मूविंग ऑब्जर्वर की है। अगर ऐसा है देन बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, क्लियर है। सो इनर्शियल फ्रेम हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द एक्सीलरेशन ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर्स आर सेम। ओके, देन दिस टाइप ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर है। तब हमारा फ्रेम कैसा हो, अगर कोई भी एक फ्रेम इनर्शियल होता है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो दूसरा फ्रेम भी इनर्शियल ही होगा। सो एनी वन ऑफ द फ्रेम इज इनर्शियल, दैट मीन्स बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, क्लियर है। तो जहां भी आपको एक्सीलरेशन सेम मिला किसी भी बॉडी का या सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग एज वेल एज रेस्ट ऑब्जर्वर, दैट मीन्स दैट फ्रेम विल बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर है। अब हम आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो मान लीजिए अर्थ की अगर हम रोटेशन को देखें, तो अर्थ का जो रोटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू, मींस अर्थ का जो मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मी, कोई एक रेस्ट ऑब्जर्वर है, क्या उसके रिस्पेक्ट में अर्थ का जो रोटेशन है, जो अर्थ है, क्या वो इट इज, या मेरे रिस्पेक्ट में जिसके भी रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो नहीं, क्यों नहीं होगा, जो अर्थ है इट इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मी, व्हाई, क्योंकि देखिए जो अर्थ है वो क्या हो रही है, सन के रिस्पेक्ट में ऑर्बिटल मोशन में घूम रही है, ये अर्थ है, सन जो है इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ ये सन है और ये अर्थ जो है वो मूव हो रही है, ये सन है हमारा और अर्थ जो है सन उसके रिस्पेक्ट में घूम रही है, अर्थ ओके। अब ये जो अर्थ है अपनी ही एक्सिस पे स्पिन मोशन भी घूमती है, स्पिन मोशन में घूम रही है, अगर तब क्या होगा, अगर मैं उसे देखूंगी तो मेरे रिस्पेक्ट में अगर वो स्पिन मोशन में घूम रहा है तो कुछ ना कुछ मुझे एक्सीलरेशन मिलेगा, उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, ए की वैल्यू जो है इट इज ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, 2 पाई बाय टी इंटू रेडियस अर्थ का है, तो अर्थ का रेडियस
वैल्यू रख दीजिए 2, 3.14 टाइम मीन्स एक घंटा पूरा एक दिन में, तो एक दिन में मीन्स 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड। अगर हमने इसको चेंज कर दिया स्क्वायर इनटू रेडियस कितना होता है 6.4 इनटू 10 टू द पावर 6 मीटर इतना आया, तब क्या आ जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो 3.4 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 ये मीटर है और ये सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसको कितना एक्सीलरेशन मिल रहा है 3.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, वो सिंपल फॉर्म में मूव हो रहा है लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस कर रहा है कितना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 3.4। दैट मीन्स दिस फ्रेम इज नॉट इनर्शियल, सो इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। विदाउट एनी फोर्स बॉडी में एक्सीलरेशन मिल रहा है, सो इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? तो एक्सप्लेन करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा फ्रेम द फ्रेम विच डज नॉट ओबे law of inertia, that means the force F is zero but the acceleration will not be zero। अब इसको हम कैसे explain करेंगे, तो मान लीजिए हम लेके चलते हैं same वैसी दो frames हैं, frame S और दूसरा frame S dash, okay? This is S और S dash। अब ये move कर रहा है विथ सम एक्सीलरेशन, मान लीजिए ए जीरो एक्सीलरेशन से मूव हो रहा है। क्लियर है? ले लेंगे वैसे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ओ डैश, ओरिजिन है इसकी एक्स वाई एंड जेड, ओ ओरिजिन इसकी। अब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, वो रेस्ट पे इस फ्रेम में रखा हुआ है। क्लियर है? इस ऑब्जर्वर को तो वो रेस्ट में ही दिखेगा, लेकिन अब यहाँ का जो ऑब्जर्वर है अगर वो इसको देखता है तो ये इसको पीछे जाता हुआ दिखेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है तो उसको जो सारे ऑब्जेक्ट, जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो जब हमारी ट्रेन चलती है तो सारे जितने भी ट्रीज वगैरह है वो सब पीछे जाते हुए दिखते हैं। सेम वैसे हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा जो फ्रेम है जिसमें ऑब्जेक्ट, फ्रेम कौन सा, जैसे अर्थ एक फ्रेम है उसमें हम खड़े हैं और जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, तो हमारी ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम पीछे जाते हुए दिखते हैं। सेम वैसे क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसको पीछे जाते हुए दिख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो कितने एक्सीलरेशन से जाता हुआ दिखाई देगा इसको, ए जीरो एक्सीलरेशन, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन कितना है ए जीरो। तो अब इसके ऊपर ऐसा लगेगा, इसको ऐसा फील होगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो इसको मूव कर रहा है। सो दैट फोर्स इज नॉट रियल बट इसको ऐसा फील हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, एम ए जीरो। तो ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्रेम जा रहा है और उसको फोर्स इधर लगता हुआ दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, देन फोर्स इज माइनस एम ए नॉट। ओके, सो दैट फोर्स इज नॉट रियल बट इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑफ मूविंग फ्रेम, और फ्रेम कैसा है, एक्सीलरेट हो रहा है विथ एक्सीलरेशन ए जीरो। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड फिक्सियस फोर्स, फिक्सियस फोर्स। क्लियर है? So it is not real but it is experienced due to motion, due to accelerated motion. Then this both the frames are non-accelerated, means non-inertial frames. अगर frame ऐसे हैं then it is non-inertial frame. अब देखिए यही चीज, मान लीजिए अभी तक ये था, अब मान लो ये जो object है वो move हो रहा है, उसके ऊपर सच में कोई real force लग रहा है जिसकी वजह से अभी move हो रहा है इस direction में, और इसका जो एक्सीलरेशन है इट इज ए आई, ए आई एक्सीलरेशन से इधर मूव हो रहा है। तो जब इधर वाले को तो कितना फोर्स लगता हुआ दिखेगा, रियल फोर्स जो है वो कितना रहेगा, रियल फोर्स इज एफ आई विच इज एम ए आई, ये रहेगा। लेकिन अगर यहाँ के ऑब्जर्वर को यही चीज देखना है तो क्या दिखेगा, उसको तो पीछे जाता हुआ दिख रहा है। तो अब इसके लिए किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, ये किसके रिस्पेक्ट में था, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, रियल फोर्स एस डैश के रिस्पेक्ट में। अब एक्सीलरेशन जो मिलेगा ए डैश इज इक्वल्स टू कितना, ए आई और इतना, सो ए आई माइनस ए जीरो इतना दिखेगा।
रियल फोर्स माइनस ये, और फोर्स जो लगेगा, अब जो एपरेंट फोर्स है, अब ये रियल फोर्स नहीं है बल्कि क्या हो रहा है, एपरेंट फोर्स। सो एपरेंट फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू एम, मास तो सेम है, अब एक्सीलरेशन चेंज हो गया है ए आई माइनस ए जीरो, सो एम ए आई प्लस माइनस ऑफ एम ए जीरो, ओके एम ए जीरो। तो ये क्या था, ये रियल फोर्स था, और दूसरा ये क्या था, फिक्शियस फोर्स। सो द एपरेंट फोर्स इज रियल फोर्स प्लस फिक्शियस फोर्स, किसके लिए रहेगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हमने क्या बोला, दो फ्रेम्स हैं एस एन एस डैश, एस इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश विथ एक्सीलरेशन ए जीरो। नाउ कंसीडर any object having mass m, then this object is at rest with respect to the observer in frame s, but with respect to observer in frame s dash it is accelerated in opposite direction, so it experiences, that means the observer in frame s dash experiences that some force is applied on that particle, which kya kar raha hai, that force is moving the particle or object in the opposite direction. So that force which is experienced by the observer in this frame is called fictitious force, which is MA naught. Clear hai? But now consider that the particle is moving. That means there will be some external force which move the particle with acceleration AI. Therefore, the real force experienced by the observer in frame S will be MAI, which is real force. But now the force experienced by the observer in frame S dash, which is apparent force, is kitna ho jayega, kyunki iske liye iska acceleration kitna hai, ai minus a zero ho jayega, to ab force kitna laga, m into acceleration, so that will be mai plus ma naught, to ma naught hua, ye kitna tha hamara, fictitious force tha with respect to this frame and this is a real force, so hum kya bolenge, apparent force is equals to real plus fictitious force। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक लिफ्ट है वो मूव हो रही है, इसके बाद हम इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी बताएंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, चार पांच पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से वो लेना है। तो मान लीजिए एक लिफ्ट है, लिफ्ट मोशन ऑफ लिफ्ट, हम तीन कंडीशन लेंगे, पहला मान लीजिए रेस्ट में है, तो हमें क्या निकालना है, फिक्शियस फोर्स और टोटल फोर्स कितना होगा अगर उस पे कोई ऑब्जेक्ट मींस कोई पर्सन अगर उस लिफ्ट में बैठा हुआ है, तो अगर वो रेस्ट में है तब क्या होगा, जो फिक्शियस फोर्स है वो जीरो होगा, फिक्शियस फोर्स इज इक्वल टू एम ए जो होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है, सो क्या होगा, ए इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू जीरो, और जो पर्सन है उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ होगा, तो वेट कितना हो जाएगा, कितना होगा, एम जी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउन ना। अब सेकेंड केस लेते हैं, मान लीजिए लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्लियर, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव हो रही है, तब क्या होगा, कितना फोर्स लगता हुआ दिखेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में है मूव हो रही, मतलब फिक्शियस फोर्स नीचे होगा, तो फिक्शियस फोर्स एम ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो वेट है वो भी क्या हो रहा है, एम जी वो भी डाउनवर्ड, एम ए जो है वो क्या है, फिक्शियस फोर्स है, और एम जी जो है वो भी डाउनवर्ड में, और ये भी डाउनवर्ड में है, तो नाउ द टोटल टोटल वेट कितना हो जाएगा, mg plus me, तो अब क्या होगा, उस पर्सन को अपना जो वेट है वो ज्यादा लगेगा, उसे लगेगा मैं जो हूँ थोड़ा सा हैवी हो गया हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा नीचे की तरफ ही क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फिक्सेस फोर्स लग रहा है, कितना ma, तो जो उसका वेट है उसमें वो एड हो जाएगा, तो उसको लगेगा कि मैं थोड़ा सा भारी हो गया हूँ। थर्ड जो है अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लिफ्ट जो है नीचे जा रही है डाउनवर्ड में, तो क्या होगा, हमेशा फिक्शियस फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट, तो एम ए जो है वो क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में,
लेकिन जो mg है, वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो अब उसको टोटल वेट कितना लगेगा, टोटल वेट इज mg माइनस ma. अब क्या करेगा वो, अपने आप को लगेगा कि मैं बड़ा हल्का हो गया हूँ. तो हल्का कब लगेगा, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा लिफ्ट में बैठ के, क्यों हो रहा है उसका रीजन आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज द लिफ्ट इज अनएक्सीलरेटेड मोशन, दैट मीन्स क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. इसलिए हमें क्या लग रहा है, जो एक्सीलरेशन है वो चेंज हो रहा है, देयरफॉर जो वेट है पर्सन को अपना वो भी चेंज लग रहा है. अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल.